प्यार से आप लोग बैठल हुआ सिंगार व सिंगार के जाइब तो तू लोग गबा की भोलवा के चल गई विराह का जोड़ भी आज से देवे के पड़ी आई तो बहुत कम समय में आए कदम मजेदार भी रहा जबकि जितना लोग आप लोग टाइम दे के बैठे रही ये अफसोस ना हो कि टाइम दे हल व्यर्थ चल गई आई तमार साथ सुने की मिलल हो दोनों जाने भी रहा अपन अपन सुनैली लोगन बड़ा प्यार से आनंद से आप लोग बैठे ले बस 20 मिनट और ही समय ले ज्यादा समय ना ले 20 मिनट आए आए और दो चार पांच मिनट हो जाए तो रोवा लोगन को घर में गए उतना तो चली सकेला ए भैया यही मिट्टी का लाल यही बाकी बलिया के धरती पर आकर के जेकर नाम बड़ा अदब से लोग लेवेला वीर लोरिक पहलवान खानदानी है सर बैठ गेल का तोहार काहे हो भैया अबे तो शुरुआत करत है देखा वो तो छछ को जोरा लाया बहे तो शुरुआत एके बंद भइल बा देखला 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 के ना होके तो तार पकड़ के ले जा हां भर मुट्ठी धो ले इधर चल जा बात हल्दी जाए सगैबा हुआ सर जाई बेचारू तारे का बात कहत हुआ बोला था ना ही आवाज ना हो छोड़ दले अभी का है बोला अरे वो इजे से ओकर फुटिए गड़बड़ाई ल ए भैया बात तोरी सना के ले आ गई चली सना मदरी का डोला पला के लेके आओ तलन बिलरी वही मारकुंडी पहाड़ पर डोला उतरल आज हम मारकुंडी पहाड़ पर डोला उतरल कली की सैया दुनिया प्यार का निशानी देला अपने अपने दुल्हन के सुहाग का निशानी हमें का देत हो कलन की सुना यहाँ देवे वाला कुछ ले ले ना ही प्यारी इतना तो जंग जीत के तो के ले के आवत है अब हम का दे ही कली की दे सकेला कलन की हाँ दे सकत है निकाल करके मैं आपसे तलवार मरन चट्टान जब दू फट में फाट गई वही पत्थर के लोग आज बिरलोरिक के नाम से जाने ला बिरलोरिक पत्थर जे जात वही सुनमद मारकुंडी पहाड़ चढ़त उतरत वही देखत वही बड़ा भव्य वहाँ दृश्य बन गिल बा लोग जाके दर्शन भी करत रहन तनी आई बन गई इनकर का भैया देख ला ना समरत है समार लगे सहू और शेर से ले दे के हमनी के तावे बिगड़ब का मौका पर धोखा देत हुआ तू मोची पर खतरे हो जाई तू ही बजावे ला ना हाँ नहीं कब कब उनको बाबू बजावे ला इसे अंदाज गड़बड़ाई जा अरे राय दाम कर भाईयो बजा सके लन जरूरी बा खून साय जे ये तो कहे हाँ तो हाँ ए भैया ऐसन बात ना का तनिक सा मौज मस्ती है लेकिन है बिरहा आओ तो देखा तबीयत देखा ताव बिगड़त है हालो हालो उठावा 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 खोला खोला उठावा
खोला हो भैया हाल हाल बस रह दा और आला मत साफ हो बेटा सब आओ डाल के तेरी पहली उठा के दा कहीं पीछे जाए तो उतर डर लगा था ए भैया फिर हम एक रन गजल का नमूना हम मार साहब कैसे खाइया तुम्हारा घरे ना आई है गंगा जी लड़किया कलश की जब इतना समय दे दे रहा था 10-20 मिनट और दे दा जा अब उतारिल का हो जाता हो जानी कि तो ये रहे कि अमन के तो बिहार जाए के कितना आदमी को में पहाड़ चढ़े के कहा थे का अरे ला गए हो तो जाने का चीते ना करो गए हो तो जाने का चिंता ना करो गए हो तो जाने का चिंता ना करो और ये रमेश पहलवान जी बल्टा वाले आप जी के द्वारा आशीर्वाद 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम सकल पंच के प्राप्त पहुंचे आशीर्वाद के कामना बा ए भैया और करेंगे कभी जी लिखते हैं क्या छोलरे नाम मरद बरुआ अनुपे
अरे ना मरदेला बजू आन के लेकिन बिहार का शुरुआत हमारा इधर से हो गई। अरे भैया ओ जमाने में स्वर्गीय राम के दद्दा स्वर्गीय फुल्लू का गौले लगा के चल गई ले। आ, तू कब जाइबू तोर पिंडा पारी ले और सम्मानित हमारे गार्जियन जी श्री दुर्गेश यादव जी बिलथरा रोड बलिया से आपके दरवाजे पे हम दोनों कलाकार आमंत्रित हैं। प्यार दिया गया, आशीर्वाद दिया गया, बहुत बहुत प्रणाम। सकल पंच के प्रणाम पहुंचे 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश पहलवान जी बलता वाले देखाई प्योर दूध एकदम शुद्ध दूध का पैसा हो डायरेक्ट बलट बनावेला। अरे वाह भैया जिया 100 रुपया देने वाली बहुत बहुत प्रणाम पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। भैया के सकल पंच के प्रणाम पहुंचे। इतना लोग हमें गवावत हुआ कम ना हो। आज का समय में केहू कपास धन के तले बा लेकिन समय नहीं खे। लेकिन इतना समय देहला के बाद भी हमें समय देत बने रहवा लोग इहे हमरा खातिर बहुत बड़ा धन बा। और सम्मानित पूज्य गार्जियन जी श्री नंदलाल यादव जी बेलथरा रोड बलिया से आशीर्वाद 100 रुपया देकर के आशीर्वाद दिए हैं। बहुत बहुत प्रणाम सकल पंच के प्रणाम पहुंचे। बिहार ऐसे से शुरुआत हो तनी दा चौहरी छंद से आप जी के द्वारा यह आशीर्वाद 200 रुपया देकर के आशीर्वाद दिया गया। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा। रमेश पहलवान जी बलता वाले आलू यादव जी बीडीसी यहाँ दोनों लोगों के द्वारा आशीर्वाद दिया गई 100 रुपया पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सकल पंच के प्रणाम पहुंचे। यह तो जोर बढ़ावत है, एनर्जी जैसे ही डाउन होता है वैसे ही तू लोग एनर्जी दे देते हुआ। ए भैया था सारी जिसका पत्थर बनवासी मनमंता आकर के यही भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी बनारस सारनाथ में कुश्ती का ऐलान कर दिया बाबू जी। अजब कुश्ती का ऐलान किया चेतना लड़वैया पहलवान हम बतिया सुना एकदम रंगत में आ गई। कहन के है रंगुआ सियार रंग बदले वाला हैया के हमें चैलेंज करके चल गई रहा बुलावा ताकत देखा।
राम। ए भैया पिरावा में एकदम मिजाजी कचाके का गीत लगी तनी आई था ना बता तो औकान मा पन्ना जी से पूछला ना के तो कमलेश चाचा से पूछला बेचू से पूछला बिहार भाव जाई के तोरा दुसल नलक से जाके कह दिया कि ए नन्नो दो हेलो रे फोरी आदत ना सुधर दी मेरा दिया जाके कलश आ भाई बहू जी कलश दे मत तोड़ हमरा दुख में बनी भौजैया कलश की दुख में बनन दी कलश की बोल बोल बहू जी बोल कहे का आ भूखला पावर ब्रेक रमेश यादव पहलवान जी बलता वाले कोटवा नारायणपुर से 100 रुपया देने वाली ए भाई पर बहुत बहुत प्रणाम बात सकल पंच के प्रणाम पहुंचे आशीर्वाद के कामना बा मतलब तू और चाहत हो कि दया दे ब्याज में लगा दे लेकिन ये भी अपन मनता कहो सा प्यारे मोहब्बत से तई दुनिया चलतिया भैया का कहलो जो तू कहलो वे बतिया मोहे का बात छिल हलो ए भैया गौर करेंगे बिना से ध्यान ना हटे आखिरकार चिट्ठी लिखोलन काशी नरेश राजा आ चिट्ठिया पहुंचवा दोलन आ चिट्ठिया जब पहुंचल काफी दिन के बाद जब चिट्ठी पहुंचा तो मैं निकल रहे कि जहां दिन चिट्ठी पहुंच जाई ओकर तीसर के दिन वही सारनाथ में कुश्ती के ऐलान बा दाड़े खातिर आ जिया पड़ोइया बड़ा कम रहा एकाद गो गांव में पड़ोइया रात धैल फिर बोला के पड़वावल गईल पड़वलस त कलश के कार्य का लिखल बा कलश के सामने दवाई में का लिखल बा एमा केहू के तू चुनौती दे के आई बड़ा गा कलश की हां देले बानी कलश की चुनौती दे के आई वाला तो चल दिया लड़े खातिर कि आज कती सर के दिन वहां कुश्ती रखल बा ए भैया आखिरकार कलश की बाला तो कोनो मरद भइल हमार चैलेंज के मंजूर के लेबा बिहारा में गीत बदल गेल कैसे गुरुजी देखा कोनो नई नवेली दुलही हाँ दुलहिन के दुल्हा लिया के गौना करा के घरे में बैठा के आ अपने फरार हो गए सावन में तो बड़ा दुख दहलस सावन में दुख दहलस कब का अच्छा ए भैया दुलहिया कई बिरा बेदना बा कहत बे का कलस भैया Yeah!
मोही दगा दई के आर निर मोही दगा दई के आर हई भागल रे निर मोही दगा दई के भागल रे रमेश पहलवान जी बलता वाले चुन्नू पहलवान मठिया से बा गुरु जी के ऐतिहासिक धरती से आशीर्वाद पुनः एक सरपिया बहुत बहुत प्रणाम सकल पंच के प्राम पहुंचे हाँ तक तू है ये वो बीरो दिखा तू है यार तो आप टक्कर दे वाला बलता वाले अभी हर करना हुआ का ना हुआ ना रातन रातन तब ना मजा आई हाँ कलिया बा लेकिन ये भैया वो कैसे काफी हुआ कहे नाम बता अरे कुश्ती के जेतावा परालु पाप बनारस में अरे हई परालु पाप बनारस में कल आज फिरी है जवानी जवानी से अरे आज फिरी है जवानी जवानी से ढकेली कन्या बचाई अपनी पानी से जेई कन्या बचाई सम्मान में ओ योद्धा के सम्मान में राम दूत यादव जी बलिया मठिया से आशीर्वाद दिलवानी एक सौ रुपया अपना बहुत बहुत प्रणाम रमेश पहलवान जी बलता वाला चुनु पहलवान जी बलता कहो दूगो हो गई ना के कही हुआ ए कही हो जा अच्छा गुरु चला हुआ जाए पुनः एक सौ रुपया दिलवानी बहुत बहुत प्रणाम भैया के लेकिन गौर करेंगे कुश्ती के डेट पर गई हो जवानी से जवानी एकदम भीड़े खाती हूँ माछ मारत साफ भयल का अरे जो तले हर जिला वास के नाली पत्थर महल बनावा अरे मचिया पते के चाला ले रुवानी ही पनिया बचाई आपन पानी से ए भैया पानी आओ था आवे दा ए हम गौर करेंगे ए हर पटा पहलवान कुश्तिया खाड़े के घेर ले हो चारों तरफ से आ जब घेर ले होवन और से भी पट्टा पहलवान आके एकदम उमाचा था ओ खारा था पहलवान यही दही में धूर माटी लगा के लोग पानी से नहाला लेकिन पहलवान भोरे भोरे उठ के माटी से नालम ढोर माटी में अपने शरीर के तपावत हो आज अब लड़े खातिर एकदम पूरा जोर आजमाइश करे खातिर के तैयार हो तब हमारे बिरहा का आखिरी गीत लग गई कैसे गीत के ओ समय में अपने जवानी काल में स्वर्गीय पंडित परशुराम गुरु जी गावत रहलिन हमार गुरु जी भी सम्मानित गीता त्यागी जी भी गावलिन अपने जवानी के आलम में गौलिन तोहरा तो जवानी है काहे नहीं गौ तू बैठा लेका ए हमार जवानी देखबा अरे बिरहा के भैया तू हां तो ई बात का बिरहा के जवानी का अच्छा अच्छा रामजीत यादव जी वीर लोरी के सम्मान में पुनः एक सौ रुपया देने वाली बहुत बहुत प्रणाम बा गुलाबी गुलाबी के फरमाइश बा बिरावल लास्ट होके दाम गा दे निराश करके केहू के ना भेजब ए भैया ए और से मुछी पत्ता दे तकरम पत्ता पहलवान पहुंचा दो और से भी पत्ता पहलवान पहुंचल हो तो गीत लग गई रहा
ऐसे उड़े मत बोला कुल हमारे गांव खानदान जैसे एक आधो आदमी हमारे पटियों में हवन और एक आदमी एक आध आदमी हवन बिना खा मखा के उल्टे पलटे लगे ऐसा में एगो दादा ऐसा बेटा गिलन कलन के छो कान नीचे में ये माटी खुरे दथवे छो लड़ ले जोर फट थे ते अब इनका जोर बुता गिल का तो है तेरी मत काटो पैसा ला तेरी मत काटो गिलास तारो रागिल का बीस रुपया भैया गिलास वाले पुनः देने पाना बहुत बहुत धन्यवाद भैया के ए भैया आखिरकार दो चार जानी जब फल पड़ाते रहा तब मनमंता की यहाँ गई मनमंता लगल आके आके तो कैसे तनियाई गुरु जी अरे बारी बारी सब आके बारी बारी सब आके निहल तू जीत वो आशीर्वाद दिया गया अच्छा अच्छा सम्मानित हमारे पूज्य गुरु जी पंडित परशुराम यादव जी जिन्हें पंडित का उपाधि दिया गया उनके विद्वता को देखते हुए उनके छोटे सुपुत्र और माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई शंकराचार्य जी अब माझी लोई है उन्हें खाती हमने खाती बड़ो हुआ शंकराचार्य भैया आप जी के द्वारा ही हमारे गुरु जी के रूप में ये आशीर्वाद मिल गए ओ खानदान से ओ घर से हम धन्य हो गए बहुत रुपया बहुत बहुत प्रणाम सकल पंच के प्रणाम पहुंचे आशीर्वाद के काम ना बा अरे भैया दो चार जाने गई ना मरमंता था लगा दहलास आज जब था लगा लास तो यहाँ बिरा में सैली के भाव में दहल गई का अरे यही रे के कहीं से जाई पनिया तनकी सा लगा लही तो आ या हिर के कैसे जाई पनिया आए भैया या हिर के कैसे जाई पनिया तब पीठा होई मरद के पौरुष पहल बनिया
नहीं मन बा का हाँ, अगर फाट गई ढोलक तो हमी कुल कटाई का काट लेवा हो भैया। अरे पैसा बा हो। अच्छा आप कहीं का काट ले बनकर कुल हाँ, नीचे का एकदम साफ है इनको। का साफ है? अरे मोथिया हो बे। ए दिन अपने घरे लिया चलता हमके भैया। इनकर नीचे का ऊपर का कुल घरी साफ हो गेला चला कहो भैया कहे फाटत फाटत ढोलक मरावत मरावत समझ रहा कि हालत खराब होता कहे इतना जोर लगावत हुआ है बजावत का फाटी कौनो दोष ना कहे नहीं दोष तुहरे चम से मराई इनकी पारी तुहार बजाए के चेक होई बस 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 कैसे भी तू थापा का साड़ू हो जानल मानल ए बाबू आहिर का कैसा जाई पनिया हार के फिर रोड़ी जब खड़े पर चल लेते यार दद्दा लोगन का लड़की लग गई बोल दही का बोल दही हम तो सोचते थे कि बुनी आयो ला निकल ले नहीं नहीं बोल दा बोल दा बाबू दत्तन की तबला आई दही देखा पहले के जमाने में दादा लोग लावत रह हम अंत बस कोशिश करी ला जाए तो ठीक है पर ना लेते कोनो बात ना लौर उर तो जंगल में रह के लौर ना ले ले वो जा चला कोनो बात ना चल गई आई तमार साहब एकदम कलन की रे सारे रे कैसे ललकारो तेरे रे रुक बस फान के कहा पचला तुम कैसे भैया देखो वो समय में दादा लोगन गावत रहा लड़की तो पगड़ी बांधला कानी पर लाठी रखला आ कान में अंगुरी डालना भैंसिया छोड़ दो दूसरों के खेत में दूधान चरे तो कहे मंगरुआ आग दिए कैसे था तो देही आ जा री चल ले बीरावा तो देही आ जा री चल ले तो लोरी को भैया दादा लोगन उस समय लावत रहलन हमन का बस का बात ना उस समय वो लोगन का हमन आज तक छांट के खाते हैं कुछ हो तो के पानी में धो के खाते हैं उस समय दादा लोगन का जमाना रहे आज ना चाउरा गेहूं आटा पिसाए लगल चलाए लगल केर्रा बेर्रा खाए के तेरा गो पैदा करन कोदो सामा कोदो सामा उस समय कोदो सामा चलत रहे है ना बजरा का लिट्टी मकई का लिट्टी रमेश पहलवान जी बल्टा वाले चुन्नू पहलवान जी उनकर भाई मथिया से अरे भैया ने भैया एक सौ रुपया देने के पुनः सम्मान के लिए वानी बहुत बहुत प्रणाम बा सकल पंच के प्रणाम पहुंचे हैं भैया दोनों तरफ से अखाड़े पर पहलवान एकदम तैनात हुए एक तरफ मनमंता दूसरे तरफ बिरलोरी बस इंतजार है रेफरी कब ऐलान करेलन और रेफरी जब ऐलान करी है तुरंत अखाड़े पर भिड़ जाई हन एक दूसरे पर हावी हो जाई हन तो यहाँ बिरा हमर कसौटी पर चढ़त हो रेफरी ऐलान भी करी हन कैसे भैया रमेश पहलवान भैया बल्टा वाले उनकर भाई चुनू भाई आय चुनू पहलवान मठिया गुरु चेला बा गुरु चेला एकदम चपले रहा पुनः एक सौ रुपया देके सम्मान के लिए वानी बहुत बहुत प्रणाम कोई जोड़ा बा ना कोई जोड़ा नहीं ठहरे वाला आखिरकार देखा यहाँ दोनों पहलवान एक दूसरे पर लड़े खातिर आ भी होते हुए आ जब आ भी होते हुए
बोल रहा था किसे पर आज भिड़ गई लन आपा आपी के दाव लगावत होन आपा आपी के दाव लगावत होन लेकिन हो का भैया और हमारे गार्जियन जी सम्मानित श्री स्वामीनाथ सहनी जी आप महानुभाव जी के द्वारा ये 100 रुपए देकर के आशीर्वाद दिया गया बहुत बहुत प्रणाम सकल पंच के प्रणाम पहुंचे रमेश पहलवान भैया बल्टा वाले चुन्नू पहलवान मठिया से गुरु छेला वाह चपले हुआ तो तू लोगन का जोड़ा ही नहीं थे होई वो करी तब यार होई बहुत बहुत प्रणाम बा सकल पंच के प्रणाम पहुंचे तनिक सा मौज मस्ती होत रहला लेकिन बिरह का आनंद ले ही जवान भी दाव लगाओ तवान भी लोहिक मरमंता काट के पलट जाता है एको दाव लागत नहीं हो आज अब एको दाव लागत नहीं है मरमंता भी बनवासी लड़वैया रहल एको दाव नहीं लागत है बिरलोरी कवन की आज लागत था कि पानी मान सम्मान इज्जत को लेके बड़ी बड़ा गई का याद कलन वही कुल दबी माई बन सकती के कलन की जागा परगट हो जानो तो काट के गगनिया चौरा पर फेंक दे तो के पता बा कि ये पोखरा का पानी हुआ पोखरा में हम टाल दहिला तू ऐसे ना प्रगट हो पट से प्रगट हो गई आज जब माई प्रगट भली तनकिया साहब तो कहते हो तले प्रगट होली कली के हाँ बोला मुस्कुराते ही धीरे धीरे कल कली की तू खरसाने पर चढ़े ला तैयार करे ला और बल्टा वाले भाई रमेश भाई फिर लोरी के सम्मान में ये 100 रुपए दे के आशीर्वाद दिले बानी बहुत बहुत प्रणाम ए भैया आखिरकार माई बन सकती जब प्रगट भैली कलम की कहो छिनगी भर खून पियलो ए जांघी करू धीर चढ़ोली अब का पियबो अब का पियबो गन्ना का जूस हम कहीं जीविया आजो लपटाई गन्ना का जूस तोर मौसा घर पेरत रहंगा आ जाई चलावत रह कलू अच्छा आ जाई चलावत रह सही कहत हुआ सही धोबी के भी आम भूमि का रहल सब समाज को लेकर के बुरलोरी चलते थे ए बाबू माई से जब कहत वो माई बनसती से कलन के देखा को दाव लागत नहीं है फुसफुसा के कलन के सुना अब कौन दाव लगाए कली के बे दाव हल लगावत लगावा लगावा लग जाई कलन के जब तू कहत हो तो लगी जाई तो यहाँ आल्हा ने बताओ एक प्रथा का बागी
फिर कार बिरोरी वही मनमंता के खींच के निकास पर जब उठा लेला कलम सर बड़ा फफात रहला है। आ बाईला आ बोला का करी काशी नरेश राजा वहां से ताकत वहां सिंहासन पर बैठ के सिंहासन पर ताकत वहां कलन की इशारे में गलन के बस बस हम समझा थी बिरलोरी के उठवले वो उठा के धन चक्कर जैसे घुमावल जला गदवा फेरे ला लोग ऐसे फेरत वन आ फेरत 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 उठा के ए छोटा नहीं तो जिंदगी चल जाई सार जिंदगी जाते सांझ हो गल ना।